सब्सक्राइब करें प्रिंस चंद्रा यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बताने वाला हूं आपके एंड्रॉयड डिवाइस के लिए जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बिल्कुल DSLR की तरह। मेरा मतलब है आपको लगभग सारे मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाएंगे उन एप्लीकेशंस के जिससे आप अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं, उन्हें एनहेंस कर सकते हैं और छोटी मोटी एडिटिंग आप डायरेक्टली उन्हीं ऐप में से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है सिनेमा FV5। तो नाम से ही आपको पता चल रहा है सिनेमा ये एप्लीकेशन सिर्फ वीडियो पर्पस के लिए बनाई गई है। आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इससे आप जितनी भी वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे इस एप्लीकेशन से सिनेमा FV5 से, तो वहाँ आपको दो ऊपर और नीचे सिनेमैटिक ब्लैक बार्स देखने को मिलेंगे। तो सिनेमैटिक ब्लैक बार्स आपको देखने को मिलेंगे जिससे आपकी जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छी लगती है। कुछ इस तरीके के सिनेमैटिक बार्स आपको देखने को मिलेंगे। बाकी फ़ीचर्स की हम बात करें तो यहाँ आपको हिस्टोग्राम मिल जाता है, ग्रिड लाइंस मिल जाती हैं जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट को जिसे भी आप शूट कर रहे हैं उसे अच्छे से अलाइन कर पाएँ और प्रॉपरली शूट कर पाएँ। यहाँ आप ऑडियो मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको एडिशनल हेडफोन्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे वाइट बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं, ISO कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए डेडिकेटेड स्लाइडर दिया गया है ऐप इंटरफेस में जो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ आपको कुछ प्रीसेट्स में मिल जाते हैं, वाइट बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ आप कलर टेम्परेचर भी देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपको DSLR की तरह ही मिलता है जिस तरीके से आप DSLR में वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं। जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वो है Full HD, यानी कि 1080p तक की वीडियोज़ आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आपको 4K वीडियोज़ रिकॉर्ड करनी है तो इसका एक पेड वर्जन भी आता है, तो आप वो डाउनलोड करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एप्लीकेशन कम्प्लीट पैकेज है सिनेमा FV5 और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। इससे बनी हुई जितनी भी वीडियोस आती हैं पूरी सिनेमैटिक लुक में आती हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सिनेमा 4K। तो अगर आपका फ़ोन 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है 4K में वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ये। अगर 4K रिकॉर्ड नहीं सपोर्ट करता फिर भी आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं बाकी रेजोल्यूशंस में, यानी कि फुल HD रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक फ्री एप्लीकेशन है जिससे आप 4K वीडियोस आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और डिवाइसेस जैसे Redmi Note 4 जो कि 4K वीडियोस तो रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी उनमें है बट सॉफ्टवेयर वो करने नहीं देता, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप उनमें भी 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं वीडियोस। तो यहाँ आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, फ्रेम रेट, बिट रेट, तो ऑडियो साउंड भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ऑडियो का जो सोर्स है उसके लिए एक्सटर्नल माइक लगा के भी इस ऐप के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो अपने वीडियो के लिए। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं जो बिल्कुल प्रो बनाता है इस एप्लीकेशन को। और इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है और काफ़ी प्रोफेशनल है वो, इस तरीके से, क्योंकि आपको ऊपर देख सकते हैं ISO, एक्सपोजर, CPU परसेंटेज सब कुछ देखने को मिल रहा है एक छोटे से बार में। उसके साइड में आपको सेटिंग्स, नॉर्मल और ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस जैसे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप कलर टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो ऑप्टिकल जूम मिलता है इस एप्लीकेशन के थ्रू वो अप टू 8x मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। नॉर्मली वैसे आपको 4x का ही जूम मिलता है बट इस एप्लीकेशन के थ्रू वो डबल हो जाता है, तो वो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इस एप्लीकेशन का इंटरफेस भी काफ़ी सिंपल है। बीच में आपको रिकॉर्ड बटन मिलता है जिससे आप डायरेक्टली अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको फोकस पीकिंग का भी ऑप्शन मिलता है जिससे आप अपने ऑब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से फोकस में रख सकते हैं। तो एप्लीकेशन भी ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है ओपन कैमरा। तो अगर आपको ओवरऑल कंप्लीट एक एप्लीकेशन चाहिए और बाकी ऑप्शंस पे आप नहीं जाना चाहते, इस एप्लीकेशन को अभी के अभी डाउनलोड कर लो और वीडियो देखना बंद कर दो, क्योंकि ये एप्लीकेशन काफ़ी बेस्ट है। इस एप्लीकेशन सबसे अच्छी बात है ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली फ्री है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस एप्लीकेशन में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात है इस एप्लीकेशन से आप फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस भी शूट कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाता है। यहाँ आप दिन को रात बना सकते हैं, रात को दिन बना सकते हैं ISO सेटिंग्स को थोड़ा बहुत ट्विक करके, और यहाँ पर आप जो रेजोल्यूशन है वो फुल HD तक जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट पैकेज है पूरा, इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है
आर ओल्ड फेवरेट गूगल कैमरा। तो गूगल कैमरा तो बेस्ट है ही हर चीज़ में, चाहे फिर आपको वो DSLR स्टाइल लेंस ब्लर फोटोज़ खींचने हो या फिर DSLR स्टाइल वीडियोज़ बनानी हो। तो ये भी Redmi Note 4 जैसे डिवाइसेस को अलाउड करता है 4K वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, मैंने जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बनाई हुई है। तो आप लोग इस वीडियो को, इस कैमरा को भी देख सकते हैं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल कैमरा। तो ये आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस के वर्जन के अकॉर्डिंग डाउनलोड कीजिए, वरना हो सकता है आपके डिवाइस में अच्छे से सपोर्ट ना करे। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी एप्लीकेशन जिससे आप अपने डिवाइस से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं DSLR कैमरा की तरह। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरा नाम है प्रिंस, मैं मिलता हूँ आप सभी को एक एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।